भाई Realme नंबर सीरीज का दो फोन इंडिया पे लॉन्च कर रहा है, Realme 9 Pro 5G और दूसरा है Realme 9 Pro Plus 5G। पर दोनों फोन 15 से 20,000 के आसपास प्राइस रेंज में इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। बट गाइस Realme जो है एंट्री लेवल में मतलब 10,000 के अंदर प्राइस रेंज में अपना एक सी सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है Realme C35 और इसका गाइस लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है। 10 फरवरी इस फोन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा और भाई फीचर्स काफी जबरदस्त है। तो गाइस सबसे पहले इस फोन का डिजाइन के बारे में बात करें तो काफी अच्छा और यूनिक और प्रीमियम डिजाइन आपको जो है इस बार Realme का सी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर गाइस बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल रहा है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस बार कैमरा पैनल का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनाया है। बाकी गाइस दो कलर में फ़ोन देखने को मिल रहा है, दोनों कलर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में गाइस वाटर ड्रॉप नोच आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में रियलमी का ब्रांडिंग आपको थोड़ा सा मिलने वाला है। तो ये हो गया डिज़ाइन, स्पेशली इस फोन का डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। आपको कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। बाकी गाइस अब बात करते हैं इस फोन का कुछ हाईलाइट फीचर्स का। तो सबसे पहले जो हाईलाइट फीचर्स है वो है कैमरा सेंसर। इस बार आपको जो है बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा जो देखने को मिल रहा है उसमें प्राइमरी सेंसर जो दिया जाएगा वो 50 मेगापिक्सल होगा, मतलब 50 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस दो अलग से सेंसर दिया जाएगा, एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो होगा और एक 2 मेगापिक्सल का साइड डेप्थ सेंसर होगा। और साथ में यहाँ पर सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मोबाइल में वाटर ड्रॉप नोच के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन में मिलेगा। यहाँ पर गाइस आपको 5000 mAh का बैटरी दिया जाएगा जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। इसी के साथ गाइस आपको यहाँ पर 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। साथ में गाइस यहाँ पर अगर बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक FHD+ रेजुलेशन वाला डिस्प्ले दिया जाएगा और ये डिस्प्ले एक IPS LCD पैनल होगा वाटर ड्रॉप नोच के साथ। यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह में प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। तो कुल मिला के बात करें तो डिस्प्ले काफी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको यूनिसॉक टीगार T616 एक चिपसेट दिया जाएगा जहां पर आप गेम वगैरह खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर 4GB 128GB मतलब 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। साथ में यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 दिया जाएगा। साथ में आपको रियलमी UI भी देखने को मिल जाएगा। अब सिक्योरिटी की बात करें तो गाइस यहां पर बैक साइड में आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा और फ्रंट में गाइस फेस अनलॉक डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ये फोन है रियलमी C35 और इसको जो है 10 फरवरी अभी फिलहाल थाईलैंड में लॉन्च किया जा रहा है। बहुत जल्द मतलब 1 महीने के अंदर यह फोन इंडियन मार्केट में आएगा 10,000 के आसपास प्राइस रेंज में। काफी अच्छा फीचर्स दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से इस फोन का डिजाइन स्पेशली काफी बेहतर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है इस फोन का डिजाइन, फीचर्स कैसा लगा और इंडिया पे इस फोन का प्राइस कितना होना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और जैसे ही इसका लॉन्च डेट इंडिया का कन्फर्म होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।